यस सर। हाँ मोक्षिका बोलो। मोक्षिका सर नंबर बोल बेटा अपना, कौन सा वाला है? बस जो लास्ट वाला है ना वो वाला समझ नहीं आ ये डीपी सकता में कृष्ण भगवान है, क्या। तेरे नंबर के डीपी पे कृष्ण भगवान है ना? हाँ। ठीक है। हाँ बेटा कौन सा क्वेश्चन डाउट है? पास हो जाए ना बिल्कुल वो वाला। विच मास ऑफ O2 विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 2.5 मोल ऑफ Cl2। इसने बोला है कि टू पॉइंट फाइव मोल Cl2 में, इतने इस Cl2 में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगर उतने ही मॉलिक्यूल O2 में आ जाएं, ठीक है, O2 के मॉलिक्यूल हो जाएं, तो उसका मास कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ये जो क्वेश्चन है कि कितना मास होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर उसके मॉलिक्यूल उतने ही हो जाए जितना 2.5 मोल Cl2 का है? यही तो सवाल है। यस सर। नाउ इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई? मॉलिक्यूल में। तो 2.5 × Na, ये क्या है आपका? Cl2 मॉलिक्यूल। और ये कह रहा है इतने ही मेरे O2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2.5 Na क्या हो गए? आपके O2 मॉलिक्यूल हो गए। O2। ठीक है, नाउ इसको मास पे कन्वर्ट करना है आपको, तो पहले तो Na से डिवाइड करो, कट गया, 2.5 मोल आया, इनटू इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होता है O2 का मोलर मास? 32 होता है, 32। यानी कि 5/2 × 32, 80 आंसर है क्या? यस सर। मोक्षिका यस सर आ गया। नेक्स्ट डाउट। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। और क्या डाउट है? सर चैट बॉक्स में एक बच्चे ने डाला सर, सेम मेरा भी डाउट है भाई। फॉर्मूला मास इज नॉट यूज इन द केस ऑफ यस। आपको बेसिकली इसमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है और कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है वो देखना। क्या मैंने आप सभी को आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड बताया है? यस 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 सर बताया। प्रभा सिंह, व्हाट इज योर रियल नेम? एडमिन इज आस्किंग, कौन है प्रभा सिंह? प्रभा सिंह, एडमिन अगर मालूम नहीं पड़ता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये जो भी है रिमूव कर दीजिए इसको क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैमरा ऑन करो सारे, स्विच ऑन कैमरा, एवरीवन कैमरा ऑन कीजिए सारे बच्चे। सर मैं विजिबल हूँ। कौन? सर मोक्ष का सब पता नहीं नहीं बेटा, सब। पार सिंगल युक्ति, कैमरा ऑन करो, बहुत से बच्चों कैमरा ऑन है। आनंद जाके पास कैमरा नहीं है, ऐसा कैसे है भाई? बिना कैमरे के बैठे लैपटॉप से पढ़ रहे हो? माइक तो होगा आनंद झा, यस सर। माइक तो है। यस सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो सवाल है वो ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास इसमें से किस में अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स में अप्लीकेबल होता है फॉर्मूला यूनिट मास, तो आपको इसमें से देखना है कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है।
आपको मैंने बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक सर, है। अगर आप CCl4 में देखें, कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। बहुत अच्छा सवाल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 किलोग्राम, क्या मैंने सवाल कराया है आप लोगों को? नो सर, नहीं कराया। गॉड, ट्राई करना चाहोगे सवाल को? ट्राई करो बेटा, अच्छा सवाल है, IIT में आया हुआ सवाल है ये। तो ये जीएसटी एसी टेस्ट में आया था। हाँ, ये मैं तभी दिया था मैंने। ये बेटा IIT में मतलब 2004-5 में के अराउंड आया था ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। अच्छा सवाल है ना, सर, अब तो खुशी भी हो रही होगी जान करके कि हमें IIT क्वेश्चंस करने को मिलते हैं JSTC पेपर में। जो बच्चे अभी जो लॉग इन कर रहे हैं, कैमरा ऑन कीजिए सारे, बिना कैमरे के ना बैठे, या तो कैमरा ऑन कीजिए ना क्लास लीव कीजिए, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। मानस भिखारी, मोक्षिका, प्रणव, वंशिका, सत्यम गोयल, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी एलिमेंट का निकालना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास मालूम होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10^-31 kg। नाइन पॉइंट वन इंटू टेन नाइन दी पावर पॉइंट पॉइंट वन इंटू 10^-31 kg। नाइन। ओके सर, सर एक बार मास ऑफ 1 किलोग्राम दोबारा बता दीजिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10^-31 kg। थैंक यू सर।
हो गया सभी का? हाँ देखिए, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है ये पहले बताओ। वो है 9.1 × 10⁻³⁰ kg। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास है। और इसने पूछा है कि 1 kg में, ये पूछा ना, 1 kg में कितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ यस सर, 1 kg में कितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा? तो पहले तो आप पता करो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा। तो 1 मोल का मतलब इतना होता है इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना? तो 5.46 × 10⁻¹⁸ kg, am I right? Yes. Yes. So 1 mole electron is equal to this. So 1 kg क्या आएगा? 1/5.46 × 10⁻¹⁸ kg. Sorry. Mole electron. यानी कि इतने मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होगा 1 kg के। आया समझ में? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। सर डन। सर नहीं, किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, बहुत कम बच्चों ने किया हुआ है। बाकियों को, बाकी बच्चे कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? क्लास से हटवा दूं तब करोगे ऑन? बोलो बेटा, एक नाम का मैसेज डालूंगा, हट जाओगे क्लास से, कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है? समझ रहे हो बेटा, ये तुम्हारा वेब सीरीज का वो नहीं चल रहा है प्रीमियर, आराम से लेके बैठे हो फोन। इट इज अ क्लास एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। सर अभी पावर कट हो गया। अदर्स स्विच ऑन कैमरा। सर मैंने करा था बट आई वाज नॉट विजिबल। ओके सर, कटेड। तो बेटा जिसको बैकग्राउंड प्रॉब्लम है वो क्या कर सकता है? ब्लर ऑप्शन है पीछे उसी वेब के ऐप में, तो ब्लर ऑप्शन से अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपका बैकग्राउंड विजिबल नहीं होगा, ठीक है? नोबडी वुड बी एबल टू सी योर बैकग्राउंड, ठीक है? तो आपको भी, आप भी कंफर्टेबल हो पाएंगे उसमें। और हमेशा आपका स्टार्टिंग पोजीशन ऐसा हो कि आपके पीछे दीवार हो, ठीक है? इससे आपके, आपके घर की एक्टिविटी कैमरे के ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगी। आप अपनी सिटिंग पोजीशन इस तरह से बनाएं। बहुत से बच्चों ने किया हुआ है ऑलरेडी ब्लर, बाकी लोग भी सीखे इनसे। दीज आर स्मार्ट किड्स, दे नो हाउ टू ऑपरेट एनी ऐप। देवान चौधरी, नमन मित्तल, मोहम्मद साजिद। सही लिखे है वाले को। मदन गोपाल, वंशिका, पार सिंगल, गुड इवनिंग, बाद में करना मोहम्मद, पहले कैमरा ऑन कर। लो, इसने मीटिंग ही छोड़ दी। लाइट का तुम्हारे कैमरे से क्या लेना देना है पारस? सर उसकी वजह से सर पिक्चर ही नहीं आएगी सर, बिल्कुल ब्लैक हो गया पीछे। अच्छा, अंधेरे में बैठे हो क्या सर? एकदम से वही सर, देखो सर बाबा आज जनरेटर काम नहीं कर रहा था, बाबा बंद हो गया। अच्छा।
ओके बेटा, आज के लेक्चर में हम आपके डाउट्स ही लेने वाले हैं, सारे डीबीपी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? डीबीपी से डाउट्स लूंगा इनफैक्ट मैं आप लोगों के, तो जो भी आपके डाउट्स हो आप तैयार रहे होंगे डाउट्स के साथ। हालांकि ये भी डाउट सेशन ही है, पर आज पूरा कंप्लीट टचअप दे देंगे अपने इस चैप्टर को, ताकि आप ये ना बोल पाए कि आपको चैप्टर किस कोई एक सेक्शन पढ़ाया नहीं गया है। सर सर, मुझे जो हमारा जेसीएससी एग्जाम अभी हुआ था उसके एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में डाउट है। सर वो क्वेश्चन ये था कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अप्रोक्सीमेटली डैश। सर तो उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें 1.5 × 10^23 मैंने किया था सर, लेकिन करेक्ट ऑप्शन 6 × 10^23 दिखा रहा है। क्वेश्चन भेजना बेटा मुझे एक बार। ओके सर, सर अभी भेजता हूँ। पर मैंने भी वही आंसर टिक किया था, अभी देख लेंगे। लेकिन सर जब मैंने दोबारा किया तो सर मुझे सही लगा वो आंसर। सर अब कैमरा बंद कर सकते हैं? किसने बोला कैमरा बंद करने को? कैमरा पूरी क्लास में ऑन रहेगा आपके। नो सर, थोड़ी बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है। हाँ, बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 मिनट के लिए कर सकते हो बता करके, ठीक है? ओके सर। सर जब मैं बोलूंगा तो सर उस टाइम पे सर मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर सकता हूँ, क्योंकि सर मेरा वेबकैम ही मेरा माइक है ना, सर वो दूर से पकड़ नहीं पाता। सर मेरी आवाज आ रही है? कमजोर है। हाँ सर मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है अभी? हाँ बेटा, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। ओके सर, विटामिन की गोलियां खिलाया करो कैमरे को अपने, कोई सर वो थोड़ा माइक कमजोर है उसका। बात नहीं। भेज दिया क्या वो क्वेश्चन? भेजना था कोई। यस सर, जस्ट अ सेकेंड। सर इसी के चैट पे भेज दूं या फिर व्हाट्सएप पे भेजूं? व्हाट्सएप भेज दिया था। ओके सर, सर जस्ट अ सेकेंड सर। एक सर मुझे एक और चीज पूछनी थी। सर ये इथेनिक एसिड क्या होता है?
सर यस बेटा टेल मी सर इथोनिक एसिड क्या होता है? इथोनिक एसिड नहीं होता, इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड क्या होता है? चाउमीन खाया कभी? चाउमीन नूडल्स चाउमीन उसमें सिरका डालता है, सिरका सुना होगा आप सभी ने। विनेगर एसिटिक एसिड यस एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है। ये कौन सा नेम है? तो आईयूपीएस क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे जब अपन लोगों में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने के पंडित जी आते हैं ना, वैसे इनके पंडित जी हैं केमिस्ट्री के। मतलब एसिटिक एसिड का दूसरा नाम असली नाम ये है, देखो समझो। जैसे अब तुम इंडिया में बोलोगे आम देना तो तुम्हें आम मिल जाएगा, अब चाइना में जाओगे आम देना पता नहीं क्या पकड़ा देंगे आम के नाम पे। लेकिन अगर हम मैगनी फ्रेंडी का जो नाम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नाम सेम है, चाहे आप जापान में चले जाओ ठीक है, तो मैगनी फ्रेंडी का इज मैंगो फॉर देम। अंडरस्टूड? एक बात और पूछनी थी सर, जो नाइट्रोजन होता है वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन सर हम नाइट्रेट मतलब NO3 लिखते हैं तो उसमें हम N2O3 क्यों नहीं लिखते? N2O3 एग्जिस्ट करता है पर दूसरा कंपाउंड हो गया ना। पर सर फिर जब वो एग्जिस्ट N2 की फॉर्म में करता है तो हम वहां सिर्फ नाइट्रोजन का एक एटम लेते हैं उसको मॉलिक्यूल। अरे बेटा सुन, आलू और भालू मंत्र होता नहीं होता, पहले बता। यस सर होता है, होता है ना, वैसे N2 एलिमेंट है, N2O3 कंपाउंड है। नहीं मतलब सर NO3 जो है नाइट्रेट उसमें आयन है, ये आयन है, इसका ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये भालू है, ये आलू है, व्हाई आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम? दिस इज एलिमेंट, दिस इज कंपाउंड, दिस इज आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। इसमें हम नाइट्रोजन को सिर्फ N लेते हैं, N2 नहीं लेते। हाँ तो एक एटम है हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ना यहाँ पे। ठीक है ओके सर, ये इसका एलिमेंटल फॉर्म है। यस सो सर मैंने अपना वो क्वेश्चन सेंड कर दिया। हाँ देख रहा हूँ बेटा, उसी को देख रहा हूँ, एक सेकंड में आप कर दूँ बोर्ड पहले। बोल रहा है ये कि कितने एटम होंगे 20 ग्राम SO3 में, SO3 दिया हुआ है 20 ग्राम। सबसे पहले इसका क्या निकालो, मोलर मास। सर मोलर मास 32 प्लस 48 कितना हुआ? 80 ग्राम पर मोल, तो 1/4 मोल आया है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन इसने बोला नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो एक ये आपका इनटू NA करोगे तो 1/4 NaSO3 के मॉलिक्यूल आ गए। yes, sir. अब एक मॉलिक्यूल में चार एटम है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर NA आ गया। NA कितना है? NA है 6.022 × 10^23। यस सर ओके सर। सर आप एक बार दोबारा ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल एटम से इलेक्ट्रॉन्स में कैसे जाते हैं? एटम से इलेक्ट्रॉन्स में कैसे जाते हैं बेटा? सिंपल सा है, मान लो जैसे पूछे कि बताओ इसमें एक इसके एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले तो एक एक मॉलिक्यूल का निकाल ले इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
वैसे बता दूं बेटा, ये लास्ट टाइम होगा जब आप ऐसे रैंडमली सवाल पूछ रहे हो मेरे से। आप लोग पहले से ही अपनी कॉपी में नोट्स बना के लाओगे कि हाँ ये मेरे डाउट्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि आप डाउट सेशन आधे घंटे पहले बैठ गए हो तो अरे सर तो फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, चलो ये बताओ, चलो सर वो बताओ, ऐसा नहीं होगा। आप लोग को जो डाउट होगा वो 6 बजे से, अगर 6 बजे का मेरा डाउट सेशन है तो 6 बजे से पहले आप लोगों के डाउट एक पेपर में तैयार होने चाहिए, और आप लोग उस पेपर को दिखा के ही मुझसे पूछेंगे कि सर ये मेरे डाउट्स हैं और इसमें से मैं पूछ रहा हूँ, डाउट नंबर ये, डाउट नंबर वो, ठीक है? जस्ट टू इंश्योर कि आप एक ऑनेस्ट डाउट पूछें, नॉट जस्ट बिकॉज कि तुम्हें बैठे बैठे याद आया और तुम्हें पूछ लिया। कि बैठे बैठे याद वाला कंसेप्ट मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें आपने मेहनत नहीं करी। जय करदम, क्या सच्चे बताओ बेटा, क्या सुनो सुनो, क्या तुमने सच में इसके ऊपर एफर्ट दिया है? ईमानदारी से बोलना। यस सर। दिखाओ मुझे वो एफर्ट, व्हाट्सएप करना कॉपी अपनी। सर रफ कॉपी है वो तो, रफ कॉपी है वो, कुत्ता खा गया, कोरोना वायरस निकल गया उसको, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? नो सर। कहाँ है, व्हाट्सएप करो कॉपी मेरे को, कहाँ इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आई तुम्हें? मैं तो ये तुम्हें समझा दूंगा, देखो बेटा। अरे बेटा 9th क्लास छोड़, एक जमाना हो गया मेरे को सिखा रहा है तू ये चीज। मैं फ्यूचर में फिर सभी को कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा। आप लोगों के रियल डाउट्स वो होने चाहिए, ऐसे डाउट्स नहीं होने चाहिए कि आप बैठे हुए हैं आपका मन में आया हाँ ये बता दो, क्योंकि इससे क्या हुआ, जो बच्चा पूछना चाह रहा है वो शायद रह गया आपके डाउट के कारण। तो आपको डाउट अगर रियल है तो ही पूछे, अदरवाइज अगली बार पढ़ के बैठे तब पूछे। चलिए तो बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन देखो, हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर एक कार्बन को देखोगे तो उसमें 6 एटॉमिक नंबर है, 12 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एक एटम में, 6 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 एटम है तो 4 × 4 ये एड करो तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो एक मोल में कितना होगा, Na × 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? यानी कि 6.023 × 10^24 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके एक मोल मॉलिक्यूल में होगा। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। फ्यूचर में आप सभी ध्यान रखें इस चीज का। अगर आप लोगों ने डाउट पूछा और मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा आपने एफर्ट कहाँ दिया वो दिखाओ, आपका एफर्ट शीट दिखाओ, और आप मुझे एफर्ट शीट नहीं दिखा पाए तो वो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा फिर भी, पर आपको फिर वो क्वेश्चन 10 बार करना होगा सॉल्व कॉपी में। जस्टिफाइड ना? यस सर, यस सर। तो डाउट भी सोच समझ के पूछे। चलिए अगला सवाल, पहला सवाल, इसी किसी को डाउट है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में रेज कर सकता है क्वेरी। एक चीज मुझे भी और पूछनी है सर, जैसे एलएमसी का रोल हमेशा रहेगा क्या किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए? जैसे भी कार्बोनेट था तो हम अगर सीधा देखें तो CA और कार्बोनेट CO3 तो हमने डायरेक्टली भी लिख दिया। हाँ तो ऐसे लिखना ही है। आप कार्बोनेट आयन देखो, आप कैल्शियम आयन देखो, दोनों अक्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया सॉल्व। मानस खारी, देवांश चौधरी, चुपचाप डाउट डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। बेटा मैं भगवान नहीं हूँ, एकदम से देख लूंगा वहां पे, तो मैं नजर पड़ गई, आप नोटिफाई भी करवाओ कि आप लोग डाउट डाल रहे हो। ऐसा ना करें मुझसे डाउट पूछ के। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका कैल्शियम है, ये कार्बोनेट आयन है। अगर कार्बोनेट आयन ऐसा है तो कैल्शियम आयन ऐसा होगा, इसकी वैलेंसी 2 हुई, क्योंकि जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी भी 2 हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, Ca2CO3 2 ये कट गया, CaCO3 आंसर आ गया। सर ये क्वेश्चंस जो भी चैट में वो मैंने भी आपको व्हाट्सएप करके भेजे थे, बट सर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? वन स्क्वायर कार्बन दिया हुआ था, मतलब सर वो ऑप्शन है नहीं बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोल सर एक बार ना, आप उस ऑप्शन देख लीजिए जो मानस ने क्वेश्चन भेजा है। सर ये क्वेश्चन मैंने सर आपसे पहले भी व्हाट्सएप किया था,
यस सर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ गोल्ड इज 85% नहीं सर तो दूसरे वाला सर उसमें कौन सा ऑप्शन है ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा सोचना सवाल दिया अब इसी सोचो ये कह रहा है कि परसेंटेज जो प्योरिटी है वो 85% है ठीक है यानी कि अगर 1 ग्राम मेरे पास सैंपल है उसमें से 0.85 ग्राम ही क्या है गोल्ड है ना राइट अगर ये कह रहा है कि परसेंट देखो अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा जो दूध है वो 50% प्योर है कि 1 लीटर दूध लाए हो आप ये 50% प्योर है इसका मतलब क्या है 50% दूध है और बाकी पानी और ये सब पानी प्रोटीन पानी है ना तो वैसे ही कह रहा है कि अगर आपका परसेंटेज प्योरिटी एक सैंपल है उसमें गोल्ड का जो परसेंटेज प्योरिटी वो 85% है तो बताओ कितने आइटम होंगे 1 ग्राम सैंपल में 1 ग्राम सैंपल है ठीक है अगर 100 ग्राम सैंपल में 85 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम में कितना होगा 85 upon 100 है ना तो कितना आया 0.85 ग्राम क्या आया आपका गोल्ड आया इसने पूछा है नंबर ऑफ एटम जानना है तो इसको उसके ग्राम सॉरी मोलर मास से डिवाइड कर दो यस ठीक है सॉल्व करोगे बताओगे आंसर बताओ बेटा फटाफट आंसर कितना आ रहा है सर अप्रॉक्स 2.6 × 10⁻²⁰ अगर आप 85 को डिवाइड करते हो 197 से देखो बिना मैं पेन चलाए कैसे डिवाइड कर देता हूँ मेरा आ रहा है 0.43 देखा yes, ये इतने मोल आया है नंबर ऑफ एटम पूछा है इसने है ना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 × 10³⁰ एटम पर मोल तो मोल से मोल टाटा बाय बाय ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या करेगा इसके इसको 10⁻²⁰ इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो मैं देखो बिना कैलकुलेटर के अब बिना मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करूंगा अब 2.6 आ रहा बेटा 2.6 यस सर वही आ रहा समझ में आया यस सर दिवांश चौधरी दिवांश कहाँ है यस सर आया सर सुन आप लोगों का कैमरा ऑन क्यों नहीं है मोहम्मद साजिद कैमरा ऑन करने को कहा था भाग गया तू मीटिंग छोड़ के कैमरा ऑन करो सारे मोहम्मद समीर ये कौन है देवेंद्र सिंह सर है क्लास स्टार्टेड कौन बोला ये सर कृष्णा कृष्णा जी सो रहे हो क्या 8:36 हो रहे हैं नो सर सर एक्चुअली सर अभी ट्रैवल के सर नानी के यहाँ से आए हैं ओहो सही इसीलिए ओके आई कैन नॉट सी यू स्टिल वेयर आर यू कृष्णा वेयर आर यू आई कैन नॉट सी यू कृष्णा रेज योर हैंड ओके कृष्णा सर एक बार जो मानस ने क्वेश्चन भेजा वो भी बता दीजिए बताते हैं बिल्कुल बताएंगे आज तो हम डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं देखो एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इन ऑफ 12c 320 ग्राम पता नहीं क्या है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ 12c बेटा ए ऑप्शन है इसका 12 ग्राम ऑफ 12c यस सर सी मॉलिक्यूल्स अगर आप C12 कार्बन को देखो तो ग्राम एटॉमिक मास उसका कितना होता है 12 ग्राम होता है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है 1 मोल की वैल्यू होती है 6.023 × 10³⁰ और उसी को तो बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर सर नंबर 12 क्या बोल रहा बेटा कार्बन की 1/12 ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू अच्छा
सर वो तो एटॉमिक मास पे है। मोक्षिका जितना बेटा तुम क्वेश्चन पूछते हो उतना पढ़ा भी करो। मोक्षिका तुम रिवाइज नहीं करती हो, मैं ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ तुम्हें। सर करा था ये वाला पढ़ के गई पूरा। बताओ एटॉमिक मास क्या होता है फिर। सर एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, 1/12 तक होती है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं। और मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 या 22 10 टू द पावर। अब फिर तुम वही कर रही हो, आलू और भालू को एक जैसा समझ रही हो। एक तरफ तुम कह रही हो सर 1/12 तो वाला जो कांसेप्ट है वो एटॉमिक मास लगाऊंगी, एवोगैड्रो नंबर तुम सीधा बोल रही हो 6.023 इनटू 10 का 23, बट यू आर आस्किंग मी व्हाई यू आर नॉट पुटिंग 1/12 इनटू 10 समथिंग समथिंग। यस सर, वो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। कोई नहीं सर, ये वाला आ गया। अच्छा है, नहीं अच्छा है बेटा, कंफ्यूज होते रहना है। इससे क्या होगा, मैं कंटिन्यूसली आपको मॉक करते रहूंगा और दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर यू कि हाँ यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको डाउट पूछने से नहीं रोक रहा हूँ, आप स्टूपिड से स्टूपिड डाउट पूछ सकते हो, आप या कोई भी बच्चा, मैं आपको उसके लिए नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन हाँ, फिर आपको तैयार रहना होगा सर जब आपको जवाब देंगे, और उसमें आपको ऐसा फील नहीं करना है गिल्टी सा कि यार सर ने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब मेरी नजर में आप सभी बराबर हो, और मैं आप सभी को इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन में सर डाउट नहीं था सर, मैं इसलिए पूछ रहा था कि रिसर्च जो हमारी बुकलेट है सर, इसमें इसका आंसर गलत गिवन है, इसलिए सर मुझे इसमें डाउट आया। अरे बेटा, हमने जो बोल दिया वही सही है। ओके सर, सर उस चक्कर में मैंने एग्जाम में भी सी आंसर टेक कर दिया था। अच्छा बेटा, ये शो करता है ना, देखो आप बुक से ज्यादा आप टीचर भरोसा करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी पूछा था, फिर मुझे लगा आप रात को सो गए, तो फिर मैंने दोबारा नहीं पूछा उसके बाद, 9:30 बजे पूछा था। ओके चलिए अगला डाउट बताइए बेटा। सर, सुनो, एक सेकंड रुको, मैं क्लास को यही पे होल्ड पे जा रहा हूँ। 42 लोग ऑनलाइन हैं और मुझे सिर्फ 5 कैमरे ऑन दिख रहे हैं। क्यों भाई, आप लोग कौन हो, कहाँ पे आए हो, पार्टी में आए हो, कैमरा ऑन करो ना, चीफ गेस्ट हो, कैमरा ऑन करके बैठो। सर आप एक बार ये भी बता दीजिए किस किस का आ रहा है। सारे ऑन कीजिए, मैं बताता हूँ किस किस का आ रहा है। भूमिका का, प्रथम का, प्रियांशु, देवान, जिशान, ये क्या है, अर्णव सिंह, संचित, मदन, मयंक, नारायण, मानस, मनोज, जय, पारस सिंघल, कृष्णा शर्मा, नंदिनी बघेल, लव्या जैन, बाकी की नहीं आ रहा है। कैमरा ऑन करो। मोहम्मद समीर, मानिक, मनोज, कहाँ है वो बेटा, हैं? अरे ये लोग, आप लोगों का ये इनडिसिप्लिन शो करता है कि आप लोग कितने इनडिसिप्लिन हो अपने पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, अगर आप बेटा पढ़ने बैठे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर स्टडिंग राइट नाउ, ओके, तो आप लोगों को अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना, तो यू शुड फॉलो इट। कैमरा ऑन करवाने के पीछे पर्पज है अटेंटिवनेस, टू मेक यू फील दैट यस आई एम वॉचिंग यू, एंड ये आपके माइंड को अटेंटिव बनाएगा। ये साइकोलॉजिकली सोचता हूँ मैं, मेरा कोई ऐसा कोई शौक नहीं तुम्हें कैमरा ऑन कराने का। बैठो, लेट कर आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जाए जाए उड़ के। अब तो ठंडे का मौसम भी आ रहा है, मूंगफलियां भी तोड़ो और क्या बोलते हैं, आराम से लेकर के मोबाइल लेके देखो। हाँ, नाइस, दिस टीचर टीचेस अस नाइस, करो बैठ के आराम से। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा तकलीफ होना चाहिए पढ़ते वक्त। ठीक है, आप कम्फर्ट जोन में बैठ के ना पढ़े। कम्फर्ट जोन में जब बैठ के इंसान पढ़ता है ना, तो नींद आती है, फिर आती है नींद। अरजाई में घुस के कभी पढ़ाई करी है? यस सर, सर मैंने वीडियो में सर देखा था कि साइकोलॉजी होती है सर, बेड पे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सर बेड पे आप सोते तो आपका दिमाग जानता है कि इस पे आए हैं तो सोएंगे, इसलिए सर नींद आती है। नहीं करेंगे, नहीं नहीं ऐसी कॉम्प्लेक्स बात भी नहीं करेंगे, मैं बेड पे ही पढ़ सकता हूँ। ये मैं बता दूं बेटा कि जितनी चीजें आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, जितनी चीजें आप बताई जाती है, ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे जैसा होता है, हर चीज तोड़ी जा सकती है। ठीक है, मैंने तोड़ा भी है, मैंने बेड पे ही पढ़ाई करी है। ठीक है, किसी ने मुझे बोल दिया कि हाँ बेड पे पढ़ाई नहीं जाता, मैंने बेड पे ही पढ़ाई की, लेकिन वो डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन जुड़ा हुआ था। अब आप लोग इस चीज को केयरलेस लोग है कि यार ठीक है बेड पे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि बेड पे पढ़ रहा हूँ और मुझे अटेंटिव होकर पढ़ना है,
तो मैंने मेरा पोस्चर वे ऑफ सिटिंग इज अ इन अ वे कि हाँ मुझे बैठ के पढ़ना है, बैठ के ही पढ़ना है. तो अटेंटिवनेस और प्रेशर के साथ पढ़ाई बहुत ही अच्छी. लेकिन जब आप क्लासेस लेते हो तो आलस आता है, कैमरा ऑफ है, कोई आपको देख नहीं रहा है, पसर जाओगे आराम से, फिर गाई भी आ जाएगी ऊपर. हाँ सर सही कह रहे हो, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, ठीक है ऐसा होता है. तो प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी कैमरा ऑन कीजिए, ये भला भाई आपके भले के लिए है, इससे मेरा फायदा नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं अपना कैमरा इसलिए ऑन नहीं करता क्योंकि मुझे पढ़ाना है. अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो अटेंटिव रहना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं तो मतलब साइडलाइन हो नहीं सकता, कर सकता अपने आपको, आराम से बिस्तर लेटा हुआ हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं अपने आप. सरकारी स्कूल तो है नहीं ना कि मास्टर तीन पत्ती खेल रहे हैं और बच्चे अपना बच्चे भी आपस में तीन पत्ती खेल रहे हैं. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये पैंडमिक लाइक सिचुएशन है, आप सभी को अटेंटिव रहना है. टीचर जब आप लोग एफर्ट ले रहे हैं, आंखों उजला रहे हैं आपके लिए, है ना, ये ब्लू रेज होती है आंखों को अफेक्ट करती है. तो आप लोगों को भी थोड़ा सा टेल लीजिए, है ना, करियर आपका, भविष्य आपका है. कल वो पैसा कमाओगे, मोटी मोटी गड़ियां छापोगे, मेरे को तो दोगे नहीं, दोगे? दिशांत हंस रहा है, एक रुपया नहीं दूंगा. ठीक है, तो अटेंटिव रहो, आपके भले की बात हो रही है. अभी भी किसी ने, बहुत बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया है और कुछ ऑन करके ऑफ भी कर रहे हैं. कलाकार है सतीश, दिशांत, अहमद, ये कौन है, मोहम्मद साजिद, यशस्वी, मानिक, दिवांश, ये वो है, ये सेवार्थ बच्चे हैं. सेवार्थ है ये, शिक्षार्थ जाइए, ये उस मानसिकता के लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या बोल रहा है. लॉग इन किया अपन, निकल गए अपना, फिर घर का अपना काम किया, जैसे गेम काम खेल लिया, पबजी संभाल लिया, पबजी का मूड संभाल लिया, है ना. तो जो करना करो, आई डोंट केयर, पर जो सच में पढ़ने की नीयत से आया है बेटा, कैमरा ऑन करके बैठो. ठीक है, हाँ बोलो सर. सर मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो सर फिर वॉइस बहुत ब्रेक होती है सर, मैंने इसलिए ऑफ कर रखा है. ये तो बहुत बड़ी दुविधा है आपके साथ. एक जगह बैठो, ऐसा सिम यूज करो जिसमें नेट मिले आपको, टॉप फ्लोर पे कोई रूम है वहाँ बैठ के पढ़ो. सर मैं टॉप फ्लोर पे बैठ के ही पढ़ती हूँ सर. तो सिम चेंज करो. यस ठीक है, वाईफाई लगाओ. देखो वाईफाई कोई महंगा नहीं होता. क्या बेटा, क्या वंशिका? सर लग रहा है सर वाईफाई, लेकिन सर फिर भी सर बहुत ब्रेक होती है वॉइस, इसलिए सर फिर समझ भी नहीं आता. नो सर, सर मेरे घर पे भी वाईफाई लगा है सर, मैं बिल्कुल उसके बगल में बैठा हूँ सर. देखो बेटा एक बात बोलूंगा, अरे चुप रहो सारे, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना मुझे. मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, सिचुएशन आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, आप निपटिए. कैसे निपटेंगे? दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम. आई विल मेक इट वेरी क्लियर, यू हैव टू रिजॉल्व इट योर वे. मेच्योरिटी किसको बोलते हैं? मेच्योरिटी एज के बढ़ने को नहीं होती है, ये जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं ना उसकी मेच्योरिटी होती है. ये जो आप अभी अभी प्रॉब्लम झेल रहे हो, अब इस सब सीखो कि हाँ इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये आपको मेच्योर बनाएगा. कल को कोई पूछेगा आपसे तो आप बता पाएंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो ऐसे करो, तो लोगों को लगेगा हाँ कितना समझदार इंसान है, इसको आता है. तो इसी को मेच्योरिटी कहते हैं. तो अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश खुद से करो. आपको पता है कि कैमरे का इशू आता है, इफ यू नो दिस वंशिका, यू वुड हैव रिजॉल्व दिस अर्लियर ओनली. ठीक है, प्रॉब्लम सभी के साथ है, सभी के साथ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सब आपके साथ है. मेरे घर में भी वाईफाई नेट की प्रॉब्लम थी, मैंने वाईफाई अरेंज किया कैसे भी करके. ठीक है, तो अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी बेटा, आपको भी करनी पड़ेगी, मैंने भी करनी पड़ेगी. मैं जैसे भी करके जो भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो कीजिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके सर. चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड? सवाल किसी को डाउट है? सवाल सर, नो सर, फॉर्मूला ऑफ सर, इसमें डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट. नो सर, नो डाउट. नो सर, नो सर. The formula of compound x3 y, compound is x3 y, valences of x and y will be. Is your doubt sir, is me? Sir, no, sir, no doubt. Sir, no doubt. Chat box likh sakte hai beta.
जो बता बोलने में समर्थ नहीं है, बोलना नहीं चाहते, इस साथ हमारी इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने, वो बेटा चैट बॉक्स लिख दो, मैं तब भी देख लूंगा कि आपको ये सवाल नहीं आया। चलो ठीक है, सभी को आ गया सवाल। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स यूजली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देखो नॉन मेटल ये कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये क्या देंगे yes, आपको कोवेलेंट कंपाउंड देंगे, सिर्फ और मेटल नॉन मेटल ही दे सकता है आपको आयनिक कंपाउंड। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल पी हैज 80 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन एंड 19 प्रोटॉन, दिस पार्टिकल मस्ट बी। देखो इस सवाल को समझो सर, ये वाला एक पार्टिकल है, पार्टिकल है पी, उसमें प्रोटोन कितने हैं 19, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, न्यूट्रॉन कितने हैं 20। देखो मास नंबर कैसे बनाते हैं, इसको ऐड करके कितना होगा मास नंबर 39। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अब एक बार आप जानते हो कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन से कम है इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, अगर प्रोटॉन से कम है इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब ये है कि उस वो क्या है कटायन। आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन का में एक yes, है, प्लस वन कर दो, यानी कि ये क्या है कटायन। यस सर, एक पॉजिटिव चार्ज। यस सर, एटॉमिक नंबर में से प्रोटॉन। अच्छा ठीक है सर। ओके सो नाउ वी विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन। अ पार्टिकल हैज 17 प्रोटॉन। पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, देख लो उसको। यस सर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एनायन हो जाएगा। एक एलिमेंट yes, है एक्स, इसमें 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, मास नंबर क्या होगा, इसको ऐड करो कितना आएगा 35। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन, आप जानते हो किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, क्या ये बराबर है, नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि माइनस वन कर दो, यानी कि क्या है एनायन। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ओके। चलिए बताइए सवाल को। ये सवाल बड़ा थोड़ा, ये सिंबल उल्टा हो गया है, इसका सिंबल ऐसे है एल्यूमिनियम। यस सर। ऐसे है। यस सर। बताइए। सर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं सर, कटायन एलिमेंट है। यस सर। यस सर, नो डाउट। 3 बना और 3 चला गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्राइवेलेंट कटायन बना रहा है, ठीक है। प्रोटॉन कितना है इसमें, 13। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13। न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें इसको माइनस करोगे तो 14 आएगा। नाउ इसने बोला है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि अब ये कितना हो गया है, 10 हो गया है। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। न्यूट्रॉन कितने हैं, 13। यस सर। यस सर। वैलेंसी ऑफ आयरन इज, बताइए सर, 2 and 3। आयरन जो है दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Fe2
इसको हम बोलते हैं फेरिक, उसको बोलते हैं फेरिक, इसको बोलते हैं फेरिक, यस सर, ठीक है. तो टू एंड थ्री डी ऑप्शन. उल्टे होते हैं और सर थ्री है. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोवेलेंसी है या इलेक्ट्रोवेलेंसी है? सर इलेक्ट्रोवेलेंसी. सर इलेक्ट्रोवेलेंसी. इलेक्ट्रोवेलेंसी. सर इलेक्ट्रोवेलेंसी. ओके. चलिए, अगर आप लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोवेलेंसी तो आप गलत हैं. क्यों? सर कोवेलेंट कंपाउंड है. क्योंकि NH3 क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं, तो ये क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है. अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये होगा कोवेलेंसी. यस सर. यस सर. यस सर. चलिए अगला सवाल. The cation of an element has, बताइए इसका आंसर. Less number of electrons than a neutral atom. Less electrons, sir, क्योंकि वह electron lose करके positive charge लूज करता है. Yes. बिल्कुल सही कह रहे हो. Cation के अंदर electron कम होते हैं neutral atom के मुकाबले. Sir, जो ऊपर electron lose कर देता है. उसमें neutral नहीं लिखा होना चाहिए था. कहाँ पे? सर जब हमें एक को ट्रू सेलेक्ट करना था ऑलवेज के लिए, तो सर एक उसमें न्यूट्रल एटम नहीं लिखा होना चाहिए था, क्योंकि सर हर एटम में तो फिर मुझे आपकी बात में न्यूट्रल एटम न्यूट्रल चार्ज है ना उस एटम का, न्यूट्रल फॉर्म में जो चार्ज है. एग्जैक्टली बेटा, न्यूट्रल एटम का मतलब यही है कि उस पर जीरो चार्ज है. ठीक है. यस सर. सर जैसे सर सी का हो कार्बन का, सर वैसे ही ना सर कार्बन का कैटायन हो तो न्यूट्रल कार्बन जब उस पे एक भी चार्ज नहीं होगा और जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके बाद वाला फॉर्म और उसके बीच में लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर वो कैटायन मानेंगे, है ना सर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. Element which can exhibit valency of 2, 4 and 6 can be. Sulfur. Sir, sulfur. Kaise? S2. SO2. SO2 or sir? S2, SO4. और इस question में वो पूछ क्या रहा था? Carbon. ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें से जो वैलेंसी दो भी शो कर सकता है, चार भी शो कर सकता है, छह भी शो कर सकता है? ठीक है सर. ये कार्बन, ये सल्फर है. ऐसा सल्फर की प्रॉपर्टी है. ये एक सल्फर थोड़ा सा अतरंगा है. ये जेएसटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मतलब अगर उसको बहुत अच्छा सवाल बनाना होगा ना तो ये सवाल डाल देगा सर. फिर भी वो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलके ही तो उसकी वैलेंसी सिक्स हो रही है. ऑब्वियसली बात है बेटा, वैलेंसी तो कंबाइंड स्टेट में चेक करोगे ना. यस सर. मोक्षिका. यस सर. देखो बेटा, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि वो कितने एटम से कंबाइन कर सकता है. ठीक है. या फिर वो डबल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम की जो होता है, समझना. Valency is number of atom with which that atom is combining, or double the number of oxygen atom
with which that element is combining. इसका मतलब ये है कि जितने आटम किसी एक आटम से कंबाइन कर रहे हैं वही उस आटम की वैलेंसी है, या फिर जितने ऑक्सीजन आटम उससे कंबाइन कर रहे हैं उसका दुगना ले लीजिए वो सल्फर की वैलेंसी है. Yes, sir. तो सल्फर SO2 में देखिए, SO2 में दो ऑक्सीजन है तो वहां पे उसकी वैलेंसी कितनी होगी सर? 4, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है सर. यस यस सर. Yes, you are right. You are absolutely right. सर SO3 में लेते हैं तो उसमें भी 6 हो जाएगी. SO3 में 6 होती है. बहुत सही बोलता है तुम. अगला क्वेश्चन देखता है. बताइए इसका आंसर. नेशन वांट टू नो. सर मोर इलेक्ट्रॉन. सर सेम है सर. सर मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम है. मोर इलेक्ट्रॉन गेन करता है. यस सर. तो आपका जो एलिमेंट है जो वो अनायनिक फॉर्म में होता है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एटम के मुकाबले. चलिए इस डीवीबी को हमने सॉल्व किया. अब अगली डीवीबी आ रही. ये हो गया क्लियर स्क्रीन. चलिए अब अगली डीवीबी. हाँ बोलिए सर. मुझे जो हमारी केल्विन मॉड्यूल है सर उसके कुछ क्वेश्चंस में डाउट था सर. मैंने आपको अभी व्हाट्सएप किए हैं. सब मिला मेरे को. सब मिला पर मैंने प्रायोरिटी पे एक बार मैं डीवीपी देख लूं ना, बच्चों को दिखा दूं. ये तो हमारे पर्सनल डाउट है. इसको तो हम देख भी सकते हैं कभी भी जब मन करे. लेकिन ये जो डीवीपी है ये बच्चों को एक बार से डाउट पूछ लूंगा ना तो उनको भी वो हो जाएगी तसल्ली की हाँ भाई सर ने डीवीपी एक बार स्क्रीन पे दिखा दी, हमारा काम हो गया. सर बट मेरे पास तो इसके बाद कोई और डीपीपी नहीं आई है. बट मैंने तो लाइव करवा दी है सारी. सर है सर 3 डीपीपी है. ये आई गेस मैंने उल्टी करवा दी हो, मतलब रैंडमली पिक कर रहा हूँ मैं. ठीक है. यस सर. अच्छा सर मतलब ये तो लास्ट वाली. यस सर. यस सर ये डीपीपी है. एक सेकंड को बेटा ये हैंग हो रहा है. क्या है ये? होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड फॉर फ्यू सेकंड. ये वाली क्वेश्चंस वाली डीपी. चलिए देखते हैं. बताइए कोई डाउट है इस सवाल में? नो सर. पहले सवाल में कोई डाउट? नो सर. नो सर. सवाल में कोई डाउट? नो सर. तीसरे सवाल में कोई डाउट? नहीं सर. नो सर. नो सर. फोर्थ क्वेश्चन? नो सर. नो सर. फिफ्थ क्वेश्चन? नो सर. पांच बच्चे ही पढ़ रहे हैं. बाकी बच्चे क्या आप किस लिए आए हो? बाकी बच्चे ये चार पांच बच्चे ही आंसर दे रहे हैं. बाकी लोगों ने देखा ही नहीं होगा ये डीपी. अरे ये क्या चीज है भाई, ये तो पहली बार देखा है ना? सॉल्व नहीं किया ना आप लोगों ने? सर करी है. सर कर ली. अच्छा सॉल्व कर ली. अरे जो बोल रहा है मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ. जो बोल रहा है उससे बात नहीं कर रहा हूँ. क्वेश्चन सर लास्ट टीपीपी का सर जो केमिस्ट्री की आई है सर उसके एक क्वेश्चन में सर ऑप्शन ही नहीं है. देखते हैं बेटा हमें देख. यस सर. तीन ऑप्शन दिए. एक ऑप्शन नहीं और जो आंसर था वो शायद वो भी. यस अरे बेटा थर्ड ऑप्शन करते जब बिगड़ जाता है. चुप रहो. सुन लिया मैं. एक बार में एक बंदा बोल ले तो उसी को रिपीट मत किया करो.
स्कूल थोड़ी ना है नंबर बनाने कि मैडम मैं बोर्ड रब कर दूं क्या, एक ने बोल दिया चुपचाप रहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैं देख लूंगा उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फिलहाल इस क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन परोक्साइड द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इज, बताइए इसका आंसर। 1:16 तो जिसको नहीं आता है उसके लिए H2O2 है, हाइड्रोजन कितना होगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होगा 32, आंसर कम्स आउट टू 1:16। क्वेश्चन नंबर 7 इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास इज, 8:1 देखो इसने H2O में ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है, बहुत स्मार्टली इसने क्वेश्चन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सब आप लोग फटाफट मारोगे टिक, अरे सर ने करवाया था यही है 1:8 है, लेकिन मैंने सवाल को घुमा दिया इसलिए सवाल को पढ़े। देखो आप स्पून फीडिंग नहीं होगी, ये बात आप लोग ट्राई कर लो दिमाग में बैठा लो कि examiner is not going to feed you, he is going to mock you at every step. उसके क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि वो आपको मॉक कर रहा होगा हर एक जगह पे, इसलिए तैयार रहिए। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया आपका हो? बेटा H2O मॉलिक्यूल में इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो पूछा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया 1 जा 8 जा तो 8:1 आया। वन पॉइंट 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत अच्छा सवाल है और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ना, मोक्षिका ने पूछा था मुझसे सवाल ये, सब याद रहता है मेरे को। देखो इस रिएक्शन को आप देखो ना तो ये कह रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है और 1 मोल ये देता है, इसका मतलब ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग वाला कंसेप्ट नहीं दिया मैंने आपको, सीधा बैलेंस दे दिया इक्वेशन। अब एक बार समझो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100 ग्राम, 1 मोल ये होता है 56 ग्राम और वो ये होता है 44 ग्राम। देखा जाए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो भी कर रहा है। पर देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1.4 ग्राम मेरा ये बना है, एक्स अमाउंट ऑफ ये लिया था और ये वाई अमाउंट कुछ बना, तो बताओ अगर ये इतना बन रहा है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे समझो। देखो बेटा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको 56 ग्राम क्या देता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड क्या देगा आपको, किससे बनेगा 100/56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको बना कितना है 1.4, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कितने से बना है, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा तो 140/56 आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, 2.5 का राउंड वैल्यू आएगी। ठीक है और अगर ये पता करना है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लो, ठीक है 2.5 = 1.4 + x, x comes out to be 1.1। देखो बेटा बोल कंसेप्ट भी लगा दिया मैंने यहाँ पे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा दिया, जेएसटीसी में ऐसा सवाल आएगा, जेएसटीसी आपको ये नहीं पूछेगा कि बताओ आलू कैसे रंग का होता है, वो तुमसे पूछेगा कि बताओ आलू जहाँ उगता है वहां के सॉइल का नाम बताओ और ट्रॉपिकल क्या जो भी ट्रॉपिकल रीजन उसका नाम बताओ, ऐसा सवाल आएगा आपको, समझ रहे हो? यस सर। हाँ तो तैयार रहना, तो इस तरह के सवाल आएंगे आपको, हो सकता है एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गलत स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझो, वर्ड से मत जाओ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन घुमा के आएंगे, एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट लगाने के लिए आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाना पड़ा यहाँ पे, मोल कंसेप्ट भी लगाना पड़ा,
आप बोलो मोक्षिका क्या कह रही हो? सर आवाज थोड़ी सी मतलब भारी सी आ रही है। भारी आ रही है? हाँ सर। नो सर, सर रिपीट हो रही है आवाज। क्लियर है? यस सर रिपीट हो रही है। यस सर थोड़ी रिपीट है आवाज। बेटा आपके माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो, जब जब मैं बोल रहा हूँ तो माइक को म्यूट रखो, तब इसलिए हो रहा है सर। जिशान हाय कर। मेरे को लगा तूने कई सलमान खान से इंस्पिरेशन लेकर के वो किक मूवी देखी है, उसमें वो हेलमेट लगा देता है, वो चलता रहता है, पुलिस वाला लगता है कि वो घूम रहा है। तो आजकल बहुत एक से एक बच्चे आ गए हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी लेकर के, तो क्रॉस चेक करना पड़ता है, आर यू अ रोबोट और नॉट। ये कौन बच्चा है ये? सत्यम गोयल कैमरा ऑफिस का। सर मेरा कैमरा ऑन है। अच्छा, मोहम्मद अरसल, दीक्षिका द्विवेदी, लव्या जैन, हर्ष तेजा, गर्व गुप्ता, मोहम्मद समीर, यशस्वी, राम गौरव, पारस सिंगल, मतलब आप लोग को बोलना पड़ता है तब आप कैमरा ऑन करते हो। विजित प्राणी है आप लोग। चलिए इस सवाल को देखिए। ए एंड बी रिएक्ट इन द रेशियो फॉर इट टू बाय मास, व्हाट वेट ऑफ ए शुड बी यूज्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 24 ग्राम ऑफ बी? समझ गए? 9 kg। 9 ग्राम बी से रिएक्ट करता है अगर, तो 24 ग्राम बी से रिएक्ट करने के लिए ए कितना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर 3 ग्राम ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो 3/8 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट करेगा 1 ग्राम ऑफ बी से। 24 ग्राम के लिए बोल रहा है ना, 3/8 × 24 कर दो, 1 + 3 = 9 ग्राम। यस सर, 3 × 9 = 9 ग्राम। यस सर। सभी का हो गया? Yes, sir. चलिए अब चलते हैं अगले डीवीपी की ओर। इस डीवीपी का समय हुआ पूरा। तीन डीवीपी थी ना? यस सर। Yes, sir. चलिए शुरू करो, बताओ पहला क्वेश्चन को डाउट है किसी को? जॉन डाल्टन। नो सर। सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। थर्ड क्वेश्चन? नो सर। नो सर। फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है कोच? नो सर। नो सर।
देखो इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेटस ने टर्म एटम दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज सेम एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अच्छा किसको आता है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कोई सुनाएगा मेरे को? कोई है यहाँ बाहुबली? सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर यहाँ एटम की पहले रुक जा बेटा, एक चीज की हम बाद में बताऊंगा मैं तेरे को, पहले मेरा डेफिनेशन सुनाओ मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. कौन समझाएगा? पन्ने पलट के जवाब दोगे सर, याद होना चाहिए ना सर. मतलब सर जो केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड मतलब कंटेन द ऑलवेज कंटेन द वो एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स the elements together in the same proportion. क्या कहना चाहते हो भाई? कुछ समझ नहीं आया मेरे को. सर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ केमिकल कंपाउंड कंटेन द मतलब कंटेन्स एलिमेंट. हिंदी बोल ले, इंग्लिश बोल ले, बेटा एक लैंग्वेज ले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. दो लैंग्वेज एक साथ जो आ रही है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड कंटेन एलिमेंट, एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनेट मास बाय कौन सा मास? डेफिनेट मास. कौन सा मास? डेफिनेट. कौन सा मास? सर एटॉमिक मास. कोई डेफिनेशन बताएगा इसके ढंग से? समय आए फिक्स्ड एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ इट. फिर से बोलो बेटा. केमिकल कंपाउंड्स कंटेन फिक्स्ड एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ इट्स एलिमेंट्स. मजा नहीं आया मुझे. समय टेन. समय टेन. बोलो. समय टेन. बताओ केमिकल कंपाउंड. बताओ. अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम सम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर. सम और सेम. सम और सेम. सर सम. सम गलत है. नेक्स्ट बच्चा. कौन बोल रहा है? मनोज कुमार. बताओ. अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मासेस. कौन सा मास? सर एटॉमिक मास. और कोई बच्चा इसको दोबारा दोहराना चाहेगा? बताओ ये कौन है ये? Yes, मदन गोपाल. बताओ बेटा. सर दैट द केमिकल कंपाउंड कंटेन्स अ फिक्स्ड एंड अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ अ कांस्टेंट एलिमेंट. बोला नहीं आया बेटा. और कोई है यहाँ पे? नारायण. यस सर. यस सर. मैं बताऊँ? नारायण बताओ. यस सर. इफ सर ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास. सर मास रिफर्स टू देयर एटॉमिक मासेस. Very smart. Atomic mass ही होता है बेटा. आपको सभी को मैंने बताया था कि ये जो law of definite proportion है वो ये कहता है कि a chemical compound always contains same element, okay, combined together in definite proportion by their mass. अर्थात किसी भी केमिकल कंपाउंड को अगर आप उठाते हो तो उसमें हमेशा आपको वही एलिमेंट मिलेंगे. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड उठाओगे तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलेगा. अगर आप वाटर उठाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा. ठीक है. और ये एलिमेंट आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं बाय देयर एटॉमिक मासेस. ये डेफिनेशन था. लिमिटेशन कौन बताएगा इसकी? कोई है यहाँ बच्चा लिमिटेशन बताने वाला? Yes, बताओ. सर सर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस
सर दे आर सीन इन द केस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स एंड सेकंड इन द केस ऑफ आइसोमर्स. सर आइसोटोप सर आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस. सर जैसे कार्बन के आपने हमें 3 आइसोटोप्स बताए थे. क्या सर मासेस अलग होते हैं बेटा? सर डिफरेंट एटॉमिक मासेस नहीं, मासेस सेम होते अलग होते हैं. आप ये क्या रहे हो सर? वो सर एटम्स वो सेम एलिमेंट के होते हैं सर, लेकिन उनका मास जो होता है वो अलग होता है सर. जैसे आपने बताया था कार्बन 12C6 13C6 और 14C6. डेफिनेशन की आपने सही बोली है कि दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. No sir, I have not said that. Sir, मैंने तो ये कहा कि वो atoms of the same element होते हैं, but have different atomic masses. Example दो. Sir, जैसे 12C6, 13C6 और 14C6, या फिर sir 16O8 और 18O8. क्या वहाँ पे atomic masses अलग होते हैं या mass number अलग अलग होते हैं? Sir, mass number अलग होता है. तो तुम तो atomic mass बोल रहे हो. सर मैंने मास नंबर बोला था. सर हो सकता है जबान फिसल गई. सेंटर प्रेस कम खाया करो. ठीक है ठीक है बेटा. यस सर. सर आइसोमर्स का केस बताओ. आइसोटोप्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ओके, तो कार्बन की जिसने बात करी तो कार्बन में दो तरह के हो सकते हैं. C13 भी होता है, तीन तरह के हो सकते हैं, चार तरह के भी हो सकते हैं. मैं आपको सिर्फ दो लेके दिखाऊंगा. ठीक है, ये दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है. ये दोनों CO2 बना सकते हैं. देखो एक कंपाउंड तो सेम है, CO2 ही है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हो गया. चलो एलिमेंट भी सेम मान लो, कार्बन ही तो है, लेकिन रेशियो अलग अलग हो जाएगा. देखो आइसोमर क्या होता है सर? आइसोमर्स जो है सर, आपने बताया था कि दे सर उनकी सर वो सेम लैंग्वेज कौन यूज करता है? बीजू में कंप्यूटर ऐसे बोलता है. नारायण तू बोलता है क्या? क्या सर? हाँ बोल नारायण, क्या बोल रहा था बेटा? सर आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके बताओ अब. अर्णव बता रहा था ना? यस सर. सर आइसोमर्स सर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम्स जो होते हैं वो सेम रेशियो में भी होते हैं सर, लेकिन उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं सर. जैसे आपने एग्जांपल दिया था सर, सर वो याद नहीं आ रहा सर, इथेनॉल और इथेनिक. ये सर सर इसका आपने एग्जांपल दिया था सर. सर इन दोनों में जो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है सर वो सेम रहता है सर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं. नहीं बेटा इम्प्रूवमेंट चाहिए इस डेफिनेशन में. कोई है और आइसोमर के बारे में बता दे. सर आपने बोला था कि आइसोमर वो होते हैं. मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हें क्या आता है वो बताओ. मेरे पर भांडा मत फोड़ो अपना. आपने ये बोला था, आपने वो बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला. अब जो तुम्हें सुना है बस वो बताओ. सर दे आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ओके, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उससे क्या होगा सर? बोलो सर. मैं बताऊं? बताओ. आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन्स एक्सटेंटली द सेम नंबर्स ऑफ एटम्स. बेटा आइसोमर्स आर दो सब्सटेंस. देखो आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है यूनिट. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उसी को हम बोलते हैं आइसोमर. जैसे कि C2H6O, इससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं. एक बनता है इथाइल अल्कोहल,
और एक बनता है ईथर। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट सेम है, रेशियो भी सेम है, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है। अग्रीड? अलग अलग कंपाउंड होने के कारण आप ये कह सकते हो कि यस वी कैन से दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। फास्फोरस नेक्स्ट का आंसर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिसिटी 4 होती है? आपको पता ही है फास्फोरस आर फॉर्म में होता है, फ्लोरीन का 2 होता है, फास्फोरस P4 होता है, फ्रांसियम भी ऐसी रहता है। ठीक है, तो ये आपका P4 है। सर आर्गन की क्या होती है? AR होती है। हाँ। The Latin name of element potassium. Potassium का Latin name सर कैलियम। The kalium सर सिंबल Ka होता है। What the following element has atomicity of 1? Helium, noble gas. Helium, noble gas. Yes sir. Hydrogen gas 2. Next question. So Latin sodium. Language name of an element. Sodium. 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 The atomicity of ozone, sulfur, and phosphorus and argon are ozone. सर एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है ना एटम्स इट कंटेन, मतलब मॉलिक्यूल्स में कितने एटम वो कंटेन करते हैं। यस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एटम इज एटॉमिसिटी। तो सर जब हम S8 लिखते हैं मतलब एक सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं सल्फर के, तो और नोबल गैसेस में सिर्फ एक ही एटम होता है। ये देखो सल्फर का स्ट्रक्चर बना रहा बेटा, 8 एटम इस तरह से रेंज होते हैं। ओके सर। ठीक है, डब्लू ये डब्लू याद है, डब्लू कहाँ था? यस सर वॉल्फ्रम में, वॉल्फ्रम टंगस्टन। वॉल्फ्रम टंगस्टन नहीं बेटा, ये सेंट सेबेस्टियन गार्डन में था, बड़ा वाला डब्लू याद करो। अगला क्वेश्चन। The symbol of metal element which is used in making thermometer is sir Hg mercury. Sir Hg. Hg. Sir, हमने जो लॉस पढ़े थे उसके हिसाब से तो मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए, फर्स्ट टू या फर्स्ट और थर्ड में से बनेगा, लेकिन जब हम मर्क्यूरी देखते हैं तो वो तो सर वो हाइड्रोजन होता है ना। मैंने डेफिनेशन दिया है फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल and second letter should be any letter of that name and it will be small. Okay sir, theek ab koi sa bhi, which of the following yes sir not exist, isme se kaun sa exist nahi kar sakta hai batao sir? Compound of an atom. An atom of a compound. Yo yes sir, compound ka atom ho nahi sakta, compound ka hamesha molecule hi hota hai. Yes sir, yes sir. ये भी पूछा था सर मैंने, मुझे याद है। Which the following element has the same molecular mass as its atomic mass? बहुत अच्छा सवाल, बताइए। सर नियॉन ही का सर, क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी 1 होती है। यस सर नियॉन। यस सर। ये सारे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट नियॉन, नियॉन एक ही होता है इसका एटॉमिसिटी, इसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास नोबल गैस। देखो ये भी कच्चा सवाल है। एटम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट आर मोस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट? सर नोबल गैसेस हीलियम एंड नियॉन।
देखो नोबल गैस नहीं है नोबल गैस, नोबल गैस नहीं है नोबल गैस, नोबल गैस नहीं नोबल गैस, नोबल गैस नोबल गैस। यस सर, सिर्फ ज़िनॉन का यूज। यस सर, ज़िनॉन है नहीं ऑप्शन में, कहाँ है? नहीं सर है नहीं, बट नोबल गैस का उसका यूज कहाँ पे होता है? ज़िनॉन कंपाउंड बनता है XZF2, XZF4, XZOF4, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। यस सर, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी सवाल दे सकते हैं सर, सेम जैसे सवाल है सर, उसमें सी ऑप्शन की जगह सर ऑग्नेशन सर दो ऐसे दिए हो। आपका जो नॉन गैस होता है दैट इज फिल्ड इन दैट ट्यूब्स, ओके, गैस फिल्ड ट्यूब्स, तो ब्लू लाइट एमिट करता है, ठीक है सर। सर ऑग्नेशन सर जो एलिमेंट्स है ना सर रेडियो एक्टिव होते हैं सर, अगर एक नियॉन के साथ ऑग्नेशन होता तो फ्री स्टेट में तब भी डी आता ना? पता नहीं क्या बोल रहा है बेटा तू। सर ऑग्नेशन सर 118th एलिमेंट दैट इज अ नोबल गैस सर, वो फ्री स्टेट में सर अगर नियॉन के साथ नाइट्रोजन के अलावा ऑग्नेशन लगा हुआ होता तो सर तब भी डी होता या फिर सी भी होता? नहीं बेटा ऑर्गेनाइजेशन तो वही होगा ना नोबल गैस का। एक बात समझो बेटा, अभी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हाफ, उसकी लाइफ बहुत कम है, ठीक है, और लाइफ कम होने के कारण आप ये नहीं बोल सकते कि वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो अभी स्टेबल नहीं है इतना बाकी नोबल गैसेस के मुकाबले, वो स्टेबल नहीं है, उसकी लाइफ बहुत कम है, माइक्रोसेकेंड्स में चल रहा है। ये सर सर वही तो सर, अगर यहाँ पे नेचर वाइज देखें तो सर वो ऑप्शन गलत होता ना? हाँ ओके सर, चलिए तो अब आप लोगों के लिए सवाल, सवाल ये है कि आप सही बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अपनी कॉपी में लिखिए और फटाफट में वो सेंड कीजिए विद एग्जांपल। ओके सर, और आपका समय है 6 मिनट का, 2 मिनट फॉर एवरी लॉ। 6 मिनट के बाद मैं 2 मिनट तक जिसकी कॉपी आएगी मैं उसी को एंटरटेन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मतलब मैं उसी की कॉपी ऑब्जर्व करूंगा। करिए तो मेल पे या नंबर पे? नंबर नहीं है, कैमरा खोल के करिए बेटा, बहुत लोगों का कैमरा ऑफ है। सर मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ तो कैमरा ऑन करूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। जो भाई मोबाइल से लिखता है क्या तू? सर बट कॉपी हाथ में रख के लिखना तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मोबाइल भी पकड़ना पड़ेगा। एक हाथ से मोबाइल पकड़ और एक हाथ से लिख, क्या दिक्कत है? सर लिमिटेशंस भी लिखने हैं। इच्छा है आपकी?
हो गया सभी का? नो सर, बस एक सेकेंड. तीनों लॉ एक साथ भेज जाए. ओके सर. तो नंबर दे देना या मेल करना है? तो मेल क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ मैं भेज दूँ मैं. आप अगर मेल करना है तो तुम मेल वो दूसरे नंबर दूसरे फोन पे सेव है, मैं दूसरे फोन से भेजता हूँ बस. हाँ जैसा मैं वैसा भेजो. जैसे एक मेल तो इस फोन में मेल आ भी गया. आप लोग बोलते रह गए, सोचते रह गए, मोक्षिका ने भेज भी दिया. एग्जांपल नहीं भेजा पर मल्टीपल प्रोपोर्शन का वाले का एग्जांपल नहीं याद आ रहा था. क्लास में करवाया हुआ बेटा एक सवाल सर. यस सर, बट सर नोट्स में लिखा फिर देख के तो नहीं करेंगे ना. चलो तुम देखो, अगर तुम इतना लिखा है तो अब उसको देखो, देख के लिख के भेजो फटाफट. ये कौन है? आनंद. एक मिनट, देव आनंद आ गया.
बेटा इससे ब्लर ब्लर फोटो भेज सकता है क्या? एक बार मैं बता तो वो आपके मेरे फोन पे सेव नहीं है नंबर बेटा, चैट बॉक्स में दे रहा हूँ मैं। ओके ये टाइम अप हो गया है बेटा, टाइम अप। अब मैं दो मिनट देखूंगा, दो मिनट दे रहा हूँ, जिसका आएगा उसका देखूंगा, उसका नहीं देखूंगा। ओके जब आप लिमिटेशन देख रहे हो ना बेटा मनोज, तो थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करो। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन देख के पहचान मत करो टीचर पे। सर मैं कर देता सर, टाइम नहीं था ना सर, आपने मर्जी कहा था। कम समय में जो सारा कुछ लिख जाए वही तो मेघावी छात्र होता है। ओके सर। क्या होता है ओके मानस भिखारी का भी आ चुका है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। एक मिनट और लूंगा, उसके बाद किसी को नहीं देखूंगा मैं। सर मैं एक सेकंड अपना फोन लेके आऊं सर, कैमरा चालू है, कैमरा बंद करके जाऊं कि चालू ही छोड़ दूं? आपकी इच्छा है। अर्णव का काम बहुत अच्छा है, हैंडराइटिंग काफी अच्छी है बेटा, इसको मेंटेन करो। हैंडराइटिंग से मैं तात्पर्य साफ आई से देखा हुआ है, बस ये कह रहा हूँ। एक सेकेंड बेटा, एक चीज बता मेरे को। अच्छा तूने डिफरेंट पेज में किया है, ठीक है ठीक है। नाउ वी ऑल शुड सी अर्णव कॉपी। अर्णव ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो सभी को मैंने सेम टाइम दिया। एक बच्चा कह रहा है सर टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक कह रहा है कि एक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके लिखा है। तो बेटा ये शो करता है ना कि आप एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है? दिस शोज योर एफिशिएंसी। बेटा आपने एग्जांपल नहीं दिया, कौन है ये प्रथम आनंद? सर आपने कहा टाइम नहीं है तो सर एग्जांपल सर लिख दे। ये आप बेटा देखो ये सब बोल के ना एक्सक्यूज मत दो, टाइम नहीं, ये नहीं है टाइम। आप कोई नहीं भेजेगा। चलिए चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नाउ क्वेश्चन टू यू ऑल इज, एक्सप्लेन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। करिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए आपके पास 3 मिनट का समय है इस क्वेश्चन के लिए। सर हमें इसमें डाल्टन के सारे पॉइंट्स लिखने हैं ना? क्या सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखनी है? एग्जैक्टली डाल्टन के पॉइंट्स लिखने हैं। Please hold on.
बेटा आप में से कोई बच्चा कॉल कर रहा है क्या मेरे को? Somebody calling me? No, sir. सभी का हो गया। सर ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, लिखो। एक मिनट का समय है आप लोगों के पास, फिर एक मिनट दूंगा भेजने का। सर सारे पोस्टर लिखने हैं अभी। टाइम अप। चलिए, किसी ने नहीं भेजा मेरे को। ये शो करता है कि आप लोग कितने इनएफिशिएंट हो चुके हो घर बैठे बैठे। 3 मिनट में ये क्वेश्चन निपट जाना चाहिए था। सर थ्योरी तो होगी, सर ड्रॉबैक्स लिख के भेजने। चलिए एक मिनट और देता हूँ, फटाफट करो। किसने भेजा? मोक्षिका इज वेरी फास्ट। वेरी गुड मोक्षिका। बेटा अभी आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने बड़ा क्वेश्चन दिया था। सर somebody is doing it in the same time, this shows that it can be done in the same time। वंशिका तिवारी का भी आ गया मेरे को, हालांकि इसने सिर्फ 5 पॉइंट लिखे हैं छोटी छोटी लाइन में, लेकिन चलो कोशिश तो की, बाकी का तो आया ही नहीं कुछ भी। चलिए एक मिनट और दे रहा हूँ, एक मिनट भेजने को दे रहा हूँ। 7:50 के बाद किसी का इंटरटेन नहीं करूंगा। मनोज का भी आ गया है, मानस निखारी का है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ओके नहीं बेटा, ये ड्रॉबैक नहीं था कि एटम अट्रैक्ट क्यों कर रहा है एक दूसरे को। मानस ये कहां से पढ़ लिया तुमने? सर वो अच्छे से याद नहीं आया। हाँ तो कुछ भी चिपका दो है। कौन सा था वो चार्ज सर? ऐसा लगा सर तो पढ़ेंगे नहीं, है ना? नो सर मैंने लिख दिया। आनंद का भी आ गया। सर मैंने भेज दिया। भूमिका का भी आ गया, बहुत समय बाद आया है भूमिका का।
नारायण का भी आ गया है। अर्णव को काम बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, अर्णव बहुत अच्छा लगता है। अर्णव बेटा जिस तरीके से तू पढ़ रहा है ना, अगर तूने इसको मेंटेन किया ना तू आगे जाएगा। थैंक यू सर। ध्यान सुनना, मेंटेन किया तो आगे जाएगा, वरना वहीं रह जाएगा या पीछे भी हो जाएगा। यस सर, आई विल श्योरली मेंटेन इट। सेवन फिफ्टी के बाद किसी को नहीं देखूंगा, टाइम अप होने वाला है, भेज सको तो भेजो। टाइम अप, डोंट सेंड मी नाउ। चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सपोज दिवाली का मेला लगा, याद है लगता था दिवाली मेला, आप लोग जाते थे और रामलीला देखते थे, भल्ले फाफड़े खाते थे, मूंगफलियां खाते थे। यस और नो, किया कि नहीं किया कभी? यस सर। मैं तो बहुत करता था दशहरे में, तो बहुत जाता था मैं, मतलब हर साल ही जाता हूँ मैं, इनफैक्ट स्पेशली जाता हूँ मैं दशहरे वाले मेले में जाता हूँ। बट इट्स अ काइंड ऑफ फेस्टिवल सीजन, वी शुड एंजॉय इट, ठीक है? लेकिन इस साल नहीं हुआ। ऐसा मान लेते कि अब तो दिवाली मेला, दिवाली आने वाला, दिवाली मेले में हम लोग घूमने गए, ठीक है? एक मैं हूँ, एक तुम हो, ठीक है? तो मेरे जेब में 100 रुपए थे, मेरी मम्मी ने दिए, तुम्हारी मम्मी ने 100 रुपए दिए, हम दो दोस्त हैं, हम घूमने गए, मैंने 5 रुपए खर्च किए, तुमने 5 रुपए खर्च किए, नहीं तुम्हें मिले, तुम्हें मिले 50 रुपए, ऐसा मान लो। फिर मैंने 10 रुपए खर्च किए, तुमने 10 खर्च किए, फिर मैंने 20 खर्च किए, तुमने 20 खर्च किए, कितना हो गया? 35 हो गया। मैंने 15 खर्च किए, तुमने 15 खर्च किए, कितना हो गया सर? 50। अब हो गए तुम्हारे पैसे, हो गए खत्म, मेरे पास बचे हैं 50 रुपए। तो तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें घुमाऊंगा मेला? नो सर। ये रहा, ये मैं बोलूंगा बेटा एक सेकंड, ये रहा एग्जिट गेट, यहाँ से निकल जाओ, और आप यहाँ से निकल जाओगे, ठीक है? तो ये आज की दोस्ती है। आज दोस्ती ऐसी होती है बेटा कि जब तक मतलब की दोस्ती होती है, जब तक पैसा है सब कुछ ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माय 50 रुपीज ऑन यू, बिकॉज आई नो यू आर नॉट कैरिंग दैट सेम अमाउंट, सो व्हाई आई शुड वेस्ट माय मनी ऑन यू, ठीक है? तो एक बात समझ में आई आपको, यहाँ जो वाई था ना वाई, ये कौन हुआ? ये वो हुआ जिसके पास जो मनी है वो लिमिट में है, am I right? Yes, sir. केमिकल रिएक्शन में ऐसा एलिमेंट जिसका जो अमाउंट है वो सबसे पहले खत्म होता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अंडरस्टूड? यस। और जिसका खत्म होने के बाद भी बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। याद आएगा आप लोगों को ये? यस सर। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? यस सर। यस सर। नाउ नाउ वी नीड टू फोकस ऑन माय इक्वेशन। दिस इज, लुक एट दिस इक्वेशन, 2s2 + O2 गिव्स यू 2s2o। ये क्या कह रहा है? देखो जो यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उससे मालूम पड़ता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और 2 मोल क्या देता है आपको? वाटर देता है। तो समझना, सपोज आपको मैंने क्या दे दिया है, 20 मोल दे दिया है आपको मैंने हाइड्रोजन और 5 मोल दे दिया है आपको ऑक्सीजन, ठीक है? तो बताओ ये कितना बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? सर 10 मोल्स। अब देखो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि
10 मोल, बहुत से बच्चे कह रहे हैं 20 मोल, जो 20 मोल कह रहे हैं वो बेचारे बड़े मासूम हैं, लगता है कि मैं अपने 50 रुपए पे खर्च करूंगा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म, ठीक है, याद रहेगा ये बात? यस 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 बेटा मेरा हैंग हो गया, रुको व्हाइट बोर्ड, तो देखो यहाँ पे क्या, पहले तो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोल ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 2 मोल हाइड्रोजन से, तो 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा? सर 10 मोल ये क्या हो गया, हैंग हो गया, रुको Am I audible to all of you? Yes, sir. समझ लो, पता नहीं ये हैंग हो गया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिस्पॉन्ड करने में, आप इसको बस बाय ओरली समझो, देखो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में ये ऑब्जर्व करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अर्थात वो कौन है जो सबसे पहले खत्म होगा, सबसे पहले जो खत्म हो रहा है वो है ऑक्सीजन, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, और मैंने आपको दिया हुआ है 5 मोल, है ना? Yes, sir. समझे हो? 5 मोल, 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा? सर 10 मोल, सर 10 मोल्स, ठीक है, तो 5 मोल समझो, अगर 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और देता है आपको 2 मोल वाटर, ठीक है, तो 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा? 5 × 2 यानी कि 10 मोल हाइड्रोजन से, है ना? और देखिए अगर यहाँ पे जितने मोल हाइड्रोजन के से कंबाइन कर रहा है उतने ही मोल बना रहा है वाटर के, यानी कि वाटर के भी कितने मोल बनेंगे? 10 मोल ऑफ वाटर, यानी कि रिएक्शन के अंत में ये आपको मिलेगा 0 मोल, इसमें से 10 मोल खत्म हो जाएंगे, तो 20 - 10 मोल बचेगा और इसके 10 मोल बन जाएंगे, आया समझ में? Yes. Yes. किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर एक बात पूछनी थी सर, इसमें हम हमेशा जो सर लिमिटिंग रिएजेंट है सर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? बिल्कुल, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तय देखेंगे, हमारी दोस्ती कब तक चलने वाली है मेले में वो तय करेगा तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, है कि नहीं, मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर, यस दोस्ती खत्म, बस इस बात को बैठा दो दिमाग में, पैसा खत्म दोस्ती खत्म, ये डायलॉग दिमाग में रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल बड़े आसानी से कर पाओगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना केमिकल रिएक्शंस के थ्रू करने वाले, तो आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर, यस सर। Any doubt in this? Yes sir. Sir, जो हमने 20 आपने 20 minus 10 करा सर, उसके बाद जो बचा हुआ 10 था सर, उसका क्या हुआ सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। वो मैं अपने जेब में डाल कर ले जाऊंगा, जो जेब मेरे जेब में 50 रुपए बचे वो मेरे हुए ना भाई। Yes sir. वो खर्च ही नहीं हुए, वो खर्च नहीं हुए। Similarly जो 10 mole बच गए वो react नहीं हुए, वो बच गए। तो सर उनको कैसे represent करेंगे हम? कुछ लिखेंगे? आप लिख दो, लिखा तो है। Excess reagent लिख दो यहाँ पे। 10 mole जो है, ये है excess reagent। ये एक्सेस में मैंने डाला हुआ था, ये बच गया। है कि नहीं? Am I right? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलिए yes, ये चैप्टर भी खत्म होता है और आज की क्लास भी खत्म होती है। आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ये चैप्टर आपका तैयार हो गया है, बी प्रिपेयर्ड फॉर फेस टेस्ट। आपका फेस टेस्ट भी होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है? यस सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ डाउट्स भेजे थे सर, सर आप प्लीज एक बार उनका सोल्यूशन बता दीजिएगा सर, सर क्योंकि वो मुझे मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग लग रहे थे। गुड इवनिंग एवरीवन। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।